हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है, एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। बोली दी कि नहीं है ना, हम सबको दी है। वेट, 20वां अध्याय आज हम पढ़ेंगे, यीशु के अधिकार पर प्रश्न। यीशु के अधिकार पर प्रश्न हमेशा से उठते आए हैं, लेकिन अधिकार तो अधिकार है और अधिकार अधिकारी के पास होते हैं। यीशु मसीह अधिकारी है। मत्ती की पुस्तक 28 में परमेश्वर ने क्या कहा, महानाज्ञा में, सारी पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। और उस अधिकार पर लोगों ने सवाल उठाया। वेल, सवाल तो उठा सकते हैं, लेकिन सवाल उठाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। जिसके पास जो है वो है, स्वर्ग वही दे सकता है जो स्वर्ग का अधिकारी है। लेट्स रीड दिस, 20वां अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए। नॉर्मली ये सब लोग एक साथ कभी खड़े नहीं होते थे, लेकिन अभी तो ये यीशु के विरुद्ध मौका ढूंढ रहे हैं। इन सब की जो है वैल्यू खत्म हो गई, इनकी इज्जत खत्म हो गई, क्योंकि सत्य की जो बात है, सत्य खुद प्रचार कर रहा है, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन यीशु है। और यहाँ पर असत्य चीज़ें दबती जा रही थी, इसीलिए ये परेशान थे। सब मिल गए एक साथ, कहते ना कि इनके लिए यीशु इनका दुश्मन था, तो दुश्मन मोजेरा भाई, कहावत थोड़ी अलग है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। दूसरा वचन, और कहने लगे, हमें बता तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, वह कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है। फंसाना चाहते थे वो, लेकिन देखिए उत्तर बहुत खूबसूरत है। तीसरे वचन में उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से, किसकी ओर से था। तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की, तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हम पर पथरवाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते थे कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह किसकी ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। अब सवाल ही क्यों कर रहे हो, लेकिन सवाल किया भी तो है, मसीह भी मसीह है, और उसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्हें जवाब दिया। डोंट नीड टू टेल देम, है ना, अपने मोती सोरों के आगे मत डालो। 9वें वचन में लिखा है, तब वह लोगों को यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीट कर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीट कर और उसका अपमान करके छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मीरास हमारी हो जाए। और उन्होंने उसे दाख की बारी के बाहरी से बाहर निकाल कर उसे मार डाला, इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा, वह आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर करे ऐसा न हो। उन्होंने उसकी ओर देख कर कहा, फिर यह क्या लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। ये बात, ये दृष्टांत खासतौर से यहूदी यूनानियों के लिए था, हालांकि सभी के लिए है, आपके मेरे लिए आज भी है, पर वहाँ पर ये बात सुनकर वो लोग जल गए, भुन गए, लाल पीले हो गए, कहते ना बहुत बुरे हो गए, बहुत गुस्से से भर गए। कारण ये था क्योंकि ये उन्हें पता चला कि ये किसके बारे में बात हो रही है। शास्त्री और फरीसियों को ठेका और जिम्मेदारी दी, मतलब कि समझिए, कहते ना समाज के ठेकेदार, इनके पास जिम्मेदारी थी, इनके पास व्यवस्था थी, इनके पास ये जिम्मेदारी थी कि सभी लोगों को सही रास्ते पर ले आए। सारी चीज़ें परमेश्वर ने इनके हाथों में सौंपी है, वो हर एक कोई जो जिम्मेदारी लेता है। आज मैं प्रभु का सेवक हूँ और मैंने भी ये जिम्मेदारी ली है, प्रभु ने मुझे दी है ये जिम्मेदारी कि मैं प्रभु के पवित्र वचन से, सच्चाई से आपके साथ बात करूँ, ना कि शरीर की अभिलाषाओं से, ना कि समाज की और दूसरी बातों की व्यवस्थाओं के अनुसार, लेकिन जैसा वचन है वैसा प्रचार करो। और अगर जो नहीं करता तो शास्त्री और फरीसी के समान गिना जाता, जैसे कि न जाने आज भी कितने भरमार पड़े। आगे हम देखेंगे
19 वचन में लिखा है, उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धर कर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। देखिए, किसी भी बात को कहने के पीछे इनके पास एक तरीका है, अच्छे से प्यार से मक्खन लगाकर इनको बात करने का तरीका आता है। ये एक शिष्टाचार भी है मेरे प्रियो, इनकी गलतफहमी इसमें गलतफहमी ना रहे, शिष्टाचार यही है। अगर आप किसी भी बात को करते हैं तो तरीके तहजीब तमीज से करें। यदि आप अपने पिताजी से कोई बात पूछते हैं तो कहिए, पापा आई एम सॉरी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उस सवाल का उत्तर देंगे? अगर आप इस प्रकार से बात करते हैं तो दैट इज अ शिष्टाचार, राइट? और ये हम में से हर एक मसीह भाई बहन में होना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाइए हर बात के लिए, पानी पिलाने के लिए भी, अगर पानी पीना है तो बोलिए मम्मी से, मम्मी क्या मैं क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? घर में भाई से बोलिए, बहन से बोलिए, हर किसी से भी जब भी आप बोलते हैं तो साफ साफ बोलिए और अच्छी रीति से बोलिए। ऐसे करके आप खुद को, अपने परिवार को और दूसरों को भी सही शिक्षा में प्रेरित करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, 22 वचन में, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? सवाल उनका ये था। उन्होंने उसकी चतुराई को ताड़कर उससे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उन्हें कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। सवाल में सवाल का जवाब छुपा होता है, एंड यहाँ तो वो मसीह से सवाल पूछ रहे हैं जो सारे सवालों का जवाब है, मसीह खुद जवाब है, और यहाँ पर जवाब से ही पूछा जा रहा है, क्या बात है। दैट्स अनदर सेंसलेस, मतलब ये कभी कभी चीज़ें होती है ना कुछ। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पुनरुत्थान और विवाह। फिर सदूकियों ने सवाल उठाया, सदूकी जो पुनरुत्थान पर विश्वास करते ही नहीं, लेकिन फिर भी वो यीशु को पुनरुत्थान के सवाल पूछ रहे हैं। 27 वचन, फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, हाँ यही लिखा है ना, मरे हुओं का जीना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले। देखिए, सदूकी वो सवाल पूछ रहे हैं जिस पर वो विश्वास नहीं करते। वो ये भी कह रहे हैं, मूसा ने हमारे लिए लिखा है, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करते इस बात पे। एक भाई के बारे में वो बात कर रहे हैं, उसकी मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में देखें आगे क्या लिखा, 28 पद में लिखा है, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले। ऐसा तो आज के दिन तक होता है, और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे, ये घटना जो है आज भी होती है। फिर उसके आगे देखो, 29 वर्स में लिखा है, 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे, और फिर उसे स्त्री से विवाह कर लिया, इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए, अंत में वह स्त्री भी मर गई। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। देखिए, एक सवाल है, जी उठने के बारे में सदूकी विश्वास ही नहीं करते, और यहाँ पर मूसा के वचन का भी वो हवाला दे रहे हैं कि मूसा ने ये कहा था कि ऐसा अगर है तो उसके लिए विवाह करे, उसके लिए जो है उसकी भाई से शादी हो जाए। ये सब कुछ वो जानते हैं, पूछते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसा सवाल पूछते हैं। ये ज़बरदस्ती उलझाने और फंसाने वाली बात, और ऐसा आज के दिन तक बहुत सारे लोग आते हैं, कई सारे मसीह लोग भी, उन्हें सिर्फ बहस करनी है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ। अगर आप ये काम करना चाहते हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं, बैठिए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। लेकिन आपके पास सवाल और ये सब कुछ इसीलिए ज़्यादातर हैं क्योंकि आपके अंदर जो है ना, कई लोगों को अगर आप देखो तो वो, मैं ये सवाल इतने समय से पूछ रहा हूँ, मुझे कोई प्रभु का सेवक नहीं मिला, कई सारे पास्टरों से मैंने सवाल पूछ लिया, वो जवाब नहीं दे पाए। अरे, जवाब तो दिया था उन्होंने, पर आपने स्वीकार नहीं किया। बहुत आसान है पास्टर्स के ऊपर दोष लगाना, पास्टर गलत हैं, उनका ये गलत है, उनका ये गलत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू कौन होता है किसी के दास पर दोष लगाए, मालिक खुद उस पर दोष लगाएगा, क्योंकि मालिक के सामने कोई भी बात छुपी नहीं है। किसी ने मुझसे कहा और भरे हुए कि आप एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो में
जो लोग ये तेल चीनी चाय पत्ती और बेच रहे हैं, जो बहुतों को देखता हूँ पानी लाइए गिलास का और उस पर प्रार्थना करके छिड़किए, मैं कहता हूँ कि बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अब लोगों का विश्वास किस बात पर है? वो पानी पर भरोसा रखते हैं कि प्रार्थना करके जो पानी छिड़का गया उससे चमत्कार हो रहा है। और वो लोग जो तेल बेच रहे हैं, अगर आपको तेल ही बेचना है तो कहो अपने घर से ले आओ तेल, लेकिन वो तेल बेचना चाहते हैं। और खैर पैसा भी जरूरत है और पैसे की आवश्यकता है, मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ, यदि किसी के मन में बोझ होगा ना, वो वाकई में जो है पहली जो दिल में बोझ रख कर आता है, वो अपने दिल की गहराई से इच्छा से प्रभु की सेवकाई के लिए देगा और वो खुशी से उस बात का प्रतिफल भी पाएगा। लेकिन ऐसा पैसा, ऐसी ऑफरिंग लेने का क्या फ़ायदा जो कि जबरदस्ती ली जाए? नहीं, आपके लिए हम प्रार्थना करें कर रहे हैं, इसलिए आप हमें ऑफरिंग दीजिए। मेरे साथ आज के दिन तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहली बार आज एक भाई का मैसेज आया और उन्होंने ये पूछा कि मुझे आपको कितने पैसे देने हैं कि आप मेरे लिए रोज़ प्रार्थना करें। और मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मुझे आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है, पैसे की आवश्यकता बहुत है मेरे प्रियो। इन दिनों तो मैं काफ़ी चिंता में हूँ मेरे फैमिली बच्चों के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, एग्ज़ाम शुरू, स्कूल शुरू हो गए हैं, बट एनी वे द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पैसे की ज़रूरत सबको है, लेकिन इसलिए कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और आप ऑफरिंग भेजेंगे या फिर ये कुछ बोलेंगे, गलत बात है। ये परमेश्वर के सामने जो है कुटिलता वाली बात है, ये शास्त्री और फरीसियों जैसी हरकतें हैं जो कि लोग आज भी कर रहे हैं। तेल चीनी चाय पत्ती या दुनिया भर की चीज़ें, साबुन वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या ये वो नहीं है जो यीशु मसीह ने मंदिर में बैठने वालों के परिंडे पलट दिए और उनके जो है जानवरों को भगा दिया? आज भी आप वैसे ही हरकतें कर रहे हैं लगभग, बिजनेस थोड़ा बदल दिया तो क्या, राइट? आगे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर लिखा है इसके बाद 34 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, वे फिर मरने के नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने के से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। तब वह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उसने कुछ और पूछने का हियाव न हुआ। जब सही सवाल का जवाब सही तरीके से दिया जाए, खुद सत्य ज्ञान और जीवन अगर उत्तर दे तो उसका जवाब कैसे गलत हो सकता है। रिसेंटली समवन आस्क मी अबाउट कुरान। कुरान को कहा जाता है कि वो उत्तरी भी पुस्तक है, ठीक है, ओके फाइन, अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, आप कह सकते हैं, कहने के लिए सभी को आज़ादी है। लेकिन जब सवाल पूछा गया अलग अलग जगहों से, तो फिर भिन्नता ही क्यों है, इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। इन सब विषयों पर आप जो विजनरी रेडियो टीवी के रेगुलर प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे, आप उस प्रोग्राम में देखेंगे। वेल, यहाँ पर एक और सवाल है, आगे हम देखेंगे 41 वचन से देखेंगे, मसीह किसका पुत्र? 41 वचन में लिखा है, फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के तले ना कर दूँ। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? ये सवाल बहुत अच्छे से किया उन्होंने, लेकिन इसके आगे देखिए जवाब है, शास्त्रियों से सावधान। जब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं, वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। एंड यू नो, एक सवाल के साथ यहाँ एंड किया, सवाल के साथ दूसरा सवाल रखा और उसका जवाब भी रखा, और इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। परमेश्वर आपके साथ हो मेरे प्रियो, संगति कीजिए, यह है परमेश्वर के वचन के साथ संगति करने का मौका, प्रभु की स्तुति करते जाइए। यदि आप वाकई में परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं, मैं प्रेरित करूँगा, हर रोज़ एक अध्याय में बात कर रहा हूँ, शायद किसी दिन एक अध्याय को दो भागों में भी,
प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो, सीखिए, संगति कीजिए परमेश्वर के वचन के साथ। आमेन। प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।